अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हो जी आप सब? आई होप सो सब बच्चे ठीक ठाक होंगे। तो जी स्टूडेंट्स, आज ही हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट नंबर 8 इलेक्ट्रिसिटी की एक्सरसाइज का सोल्यूशन। अगर आपको रीडिंग में से मैंने रीडिंग ऑलरेडी अपलोड कर दी थी अपने चैनल पर, अगर आपको कुछ भी क्यूरी है इस रीडिंग के अंदर, कोई चीज़ समझ नहीं आई हुई, तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको रीडिंग मिल जाएगी, आप लोग वो देख लीजिएगा। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। एक्सरसाइज सॉल्यूशन, एक्सरसाइज के ये पेज नंबर है जी 62। एक्सरसाइज का है जी क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट आंसर, जिनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है हमारे। ये पार्ट नंबर जी 1 है हमारे पास। विच वन ऑफ दीज थिंग्स यूज मेन इलेक्ट्रिसिटी, इनमें से कौन सी चीज़ है जो कि मेन इलेक्ट्रिसिटी यूज, यानी कि जो मेन इलेक्ट्रिसिटी से चलती है? तो वो है जी टेलीविजन, या फिर टेलीविजन, ब्रूम, पेंसिल, या फिर बुक। टेलीविजन। सेकंड है जी, इट इज़ वेरी डेंजरस टू प्ले गेम्स, यूज द कंप्यूटर, टच अ बैटरी, या पोक समथिंग इन एन इलेक्ट्रिकल सॉकेट। तो पोक समथिंग इन एन इलेक्ट्रिकल सॉकेट, डी ऑप्शन इज करेक्ट। योर रिमोट कंट्रोल कार इज़ नॉट वर्किंग, इट नीड्स, अगर आपकी जो रिमोट कंट्रोल कार्ड्स होती हैं, रिमोट कंट्रोल जितने भी ये खिलौने होते हैं, इनके अगर आपके ना चल रहे हों, इसका मतलब क्या है कि उसे क्या चाहिए, उसे क्या बैटरी की ज़रूरत है। विच वन ऑफ दीज थिंग्स कैन वर्क विद अ बैटरी, इनमें से कौन सी चीज़ है जो कि बैटरी से चलती है? टॉर्च है जी, क्योंकि फ्रिज भी हमारे इलेक्ट्रिसिटी से है, टोस्टर भी हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी से, और फैन भी हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी से है। फिर आ जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी इज सेंड फ्रॉम पावर स्टेशन टू होम थ्रू, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी आपके घरों में आ रही है वो किस तरह से आ रही है? पावर स्टेशन से डायरेक्ट आपके घर में आती है, और फिर वो किस तरह से आती है? वो केबल्स के थ्रू आती है। और फिर आ जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 है, उससे पहले मैं आप लोगों को दोबारा से एक मरतबा दिखा देती हूँ सारा, ये देख लीजिए। पहले का ए पार्ट करेक्ट है, दूसरे का डी, सी, फिर ए, फिर बी। अब बच्चे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, जो कि है आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला है जी, हु इज़ एन इन्वेंटर, इन्वेंटर कौन होता है? तो जी ये है जिसका आंसर, एन इन्वेंटर इज़ अ पर्सन हु क्रिएट्स और डिस्कवर अ न्यू मेथड, फॉर्म, डिवाइस, और अदर यूजफुल मीन्स दैट बिकम नोन एज इन्वेंटर। ठीक हो गया जी, देख लीजिए। उसके बाद ही आते हैं जी सेकंड पार्ट पर, जो कि है जी हमारे पास, हु इन्वेंटेड द फर्स्ट इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब। तो इसके यानी कि किसने सबसे पहला इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब इन्वेंट किया था? थॉमस एडिसन, एन अमेरिकन इन्वेंटर, इन्वेंटेड द फर्स्ट इलेक्ट्रिकल बल्ब इन 1879। ओके, फिर आ जाते हैं थर्ड पर, वेयर डज द इलेक्ट्रिसिटी वी यूज़ कम फ्रॉम, यानी कि जो हम हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है वो कहाँ से आती है? द इलेक्ट्रिसिटी वी यूज़ कम फ्रॉम द पावर स्टेशन इन द फॉर्म ऑफ थिक वायर्स कॉल्ड केबल्स। उसके बाद है फोर्थ, वाई कैन स्मॉल बैटरीज नॉट बी यूज टू वर्क अ बिग इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्ट, इनकी जो छोटी बैटरीज होती हैं ये बड़ी चीज़ों का काम क्यों नहीं कर सकती? तो इसका जी आंसर है, बैटरी कैन नॉट बी यूज इन बिग इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्ट एज अ बैटरी हैज अ सर्टेन लिमिट टू इलेक्ट्रिक करंट इन इट कैन सस्टेन। फिर बिग इलेक्ट्रिक ऑब्जेक्ट्स एंड नीड हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट अ टाइम, यानी कि जो छोटी जो जिनके जो छोटी बैटरीज होती हैं, आम सी आपकी टॉय कार्स की जो बैटरी है, ये बड़ी बड़ी काम इससे नहीं कर सकती, क्योंकि एक कैपेसिटी होती है इनके अंदर, ठीक है, और वो जो बड़ी चीज़ें होती हैं ना, उन्हें एट ए टाइम काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, काफ़ी ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है, और उनके अंदर छोटी बैटरीज के अंदर इतनी ज़्यादा पावर नहीं होती स्मॉल बैटरीज के अंदर। फिर आ जाते हैं, वाट द नेम ऑफ वन ऑब्जेक्ट दैट वर्क विद द बैटरी एंड वन दैट वर्क विद द मेन इलेक्ट्रिसिटी, एक चीज़ बतानी है जो कि बैटरी से चलती हो, और एक ही चीज़ बतानी है जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। तो पहला है जी टॉर्च वर्क, टॉर्च, ठीक है, जो आप अंधेरे में यूज़ करते हैं। टॉर्च वर्क विद अ बैटरी एंड फैंस वर्क विद द मेन इलेक्ट्रिसिटी। तो अब जी है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन फाइंड इन योर होम्स और स्कूल विच यूज़ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका आंसर में आया कंप्यूटर बल्ब, आयरन
और फैन। अब जी आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 पर, जो कि है पेज नंबर 63 पर। पेज नंबर 63 पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में है, टेल यू टीचर हाउ टू से स्टे सेफ अराउंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि आप इलेक्ट्रिसिटी से किस तरह से सेफ रह सकते हैं। अबाउट समथिंग यू यूज विच वर्क यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, और कुछ वो चीज़ बतानी है जो कि आप इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में जहाँ पे यूज़ हो रही है। तो जी ये था आज का सोल्यूशन, आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट आप तक बआसानी पहुँच जाएगी। तो जी दीजिए मुझे इजाज़त, तो हमें याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, घर वालों का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।